गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले रोशनी से नहाया गोरखनाथ मंदिर। अखंड रामायण पाठ के साथ हुए दीपोत्सव कार्यक्रम। मंदिर के सचिव ने कहा, श्री राम मंदिर आंदोलन में गोरखपीठ की रही है महत्वपूर्ण भूमिका। एसएससी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की भूमि पूजन संबंधित कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने 4 अगस्त से 10 अगस्त तक 3 थाना क्षेत्रों में लगाया लॉकडाउन। हाथ जोड़कर जनता से की अपील, कहा अनावश्यक ना निकले घरों से बाहर, करें लॉकडाउन का पालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने मंगलवार को कोविड-19 के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई MOIC व रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक। होम आइसोलेशन हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बेहतर देखभाल के दिए निर्देश, कहा ना होने पाए कोरोना से कोई मौत। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग व प्राइवेट लैब संचालकों की बैठक। प्रत्येक जांच की रिपोर्ट CMO को देने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि सचिव ने किसान पाठशाला के लिए ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया आयोजन। आयोजित होने वाले किसान पाठशाला के संबंध में दी जानकारी। SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया नव निर्मित मोतीराम अड्डा और गोबडाव पुलिस चौकी का उद्घाटन, कहा क्षेत्र की आम जनता को सुरक्षा और बेहतर माहौल देना ही पुलिस का दायित्व। गोरखपुर में मंगलवार को मिले नए 95 कोरोना संक्रमित मरीज। सपा नेता की कोरोना से हुई मौत। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 2714। एक्टिव केस हुए 1689। अब तक 60 की हो चुकी है मौत। 965 ठीक होकर जा चुके हैं घर। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। सदर सांसद रवि किशन ने किया गोरखपुर एम्स का निरीक्षण। संस्थान के निकाय के प्रथम बैठक में हुए शामिल, कहा 5 अगस्त है ऐतिहासिक दिन। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी छिनती और नकबजनी में वांछित 4 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। CEO कैंट सभी शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर के कांग्रेस के पार्षद संजीव सिंह और सोनू ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विश्व विजय पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी से त्यागपत्र देने का किया फैसला। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शहर के 3 थाना क्षेत्रों में किया गया लॉकडाउन। SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, जगह जगह बैरियर लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति किया जा रहा है जागरूक। SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मंगलवार को झंगा थाने का किया औचक निरीक्षण। थाने में बने कोविड-19 हेल्प डेस्क और कार्यालय, मालखाना में रखी हुई फाइलों और असलहों के रखरखाव का लिया जायजा, दिखे संतुष्ट, कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जाएगा भव्य आयोजन, होगा यज्ञ और दीपोत्सव।